वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के साल का पहला डायनामाइट शो AEW डायनामाइट शुरू होने वाला है। और गाइस 2024 में आज यहां पर AEW के पहले डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी पर पॉसिबली वन ऑफ द बिगेस्ट डेब्यू हो सकता है। गाइस आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के बिगेस्ट फ्री एजेंट मर्सिडीज मोन उनका डेब्यू कर सकती है। गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मर्सिडीज मोन के NJPW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद इस समय WWE और AEW कंपनी दोनों के दोनों मर्सिडीज मोन को अपने ब्रांड पर लाना चाहती है। और गाइस क्योंकि ऑलरेडी WWE कंपनी को मर्सिडीज मोन ने रिजेक्ट कर दिया है, तो गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि मर्सिडीज मोन AEW कंपनी पर आने वाली है। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने ऑलरेडी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी बहुत ही जल्द मर्सिडीज मोन को लाने वाली है। बट गाइस अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह दावा करना है कि AEW के आज होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन उनका डेब्यू करेंगे। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट का ये कहना है कि WWE के साल के पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर रॉक जैसे बड़े सुपरस्टार के रिटर्न होने के बाद अब AEW भी साल के पहले डायनामाइट के ऊपर कुछ बड़ा करना चाहती है। और इसीलिए साल के पहले डायनामाइट के ऊपर ही टोनी खान मर्सिडीज मोन का डेब्यू कराने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सच में अगर आज AEW के साल के पहले डायनामाइट के ऊपर साशा बैंक AKA मर्सिडीज मोन उनका डेब्यू करती गए तो वो यहां पर उनके डेब्यू के ऊपर AEW के किस रेसलर को कन्फ्रंट करती गए। और गाइज अगर यहां पर साशा बैंक आज AEW के शो पर आती गए तो गाइज AEW के अंदर साशा बैंक के आने की वजह से AEW के व्यूअरशिप पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वल आपको क्या लगता है आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर साशा बैंक उनका डेब्यू करेंगी या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।